राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वंदना योगी का हमीरपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। हमीरपुर पहुंचने पर वंदना योगी का स्वागत करने वालों में जिला भाजपा तथा आरएसएस से जुड़े लोगों ने पुष्पहार एवं गुलदस्ते देकर उनका स्वागत किया। अपने संबोधन में वंदना योगी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का उन्हें जिम्मेदारी सौंपने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सड़कों पर प्रवासी बच्चों का भीख मांगना उनके ध्यान में है, जिसको रोका जाएगा। आपको बता दें कि वंदना और उनके पति योग सेंटर चलाते हैं और इनका परिवार आरएसएस से जुड़ा हुआ है। वंदना कुमारी प्रांत सेविका समिति की राज्य संपर्क प्रमुख के पद पर भी रह चुकी हैं। नगौन विधानसभा क्षेत्र के तहत पंसाई गांव की वंदना का हमीरपुर में ससुराल है। बाद में हमीरपुर में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए वंदना ने कहा कि बाल अधिकारों एवं कानूनों को सख्ती से लागू किया जाएगा। आयोग इस बारे में जागरूकता कैंप भी लगाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के सहयोग से बाल अधिकारों को संरक्षित भी किया जाएगा। कांगड़ा पर्यटन और धार्मिक स्थल अब डस्टबिन फ्री हो जाएगा। आपको बता दें कि हजारों की तादाद में हर दिन श्रद्धालु यहां ब्रजेश्वरी माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में कांगड़ा को साफ सुथरा रखना नगर परिषद के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इसी के मद्देनजर नगर परिषद कांगड़ा शहर को साफ सुथरा रखने के लिए नगर परिषद अध्यक्ष ने हर घर को निःशुल्क डस्टबिन बांटने की योजना का शुभारम्भ किया। कांगड़ा शहर के हर घर को नगर परिषद 2 डस्टबिन देगा, जिसमें लोगों को गीला व सूखा कचरा रखना होगा। इसके बाद रोजाना की तरह सफाई कर्मी घर से कूड़ा उठा लेंगे। शहर से पहले ही डस्टबिन उठा लिए गए हैं ताकि लोग कूड़ादानों में कूड़ा ना फेंके। नगर परिषद अध्यक्ष अशोक शर्मा ने वार्ड नंबर 5, 7 और 9 के बाशिंदों को नीले व हरे रंग के कूड़ेदान निःशुल्क बांटे और जल्द ही सभी वार्डों के घरों को ये कूड़ादान पहुंचा दिए जाएंगे। शर्मा ने बताया कि एक सप्ताह के भीतर नगर के सभी वार्डों में घर घर ये कूड़ादान पहुंचाए जाएंगे। सफाई कर्मी घर घर जाकर कूड़ा उठाएंगे और इसकी एवज में नगर परिषद 50 रुपए प्रति घर प्रति महीना वसूलेगा। नगर परिषद के डूंगा बाजार कॉलेज रोड के व्यस्त चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि कूड़ा कचरा फैलाने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। गौरतलब है कि नगर परिषद कांगड़ा ने 1882 घरों, 1216 दुकानों, 23 ढाबों, 17 स्कूलों, 15 दूसरे संस्थाओं और 28 सरकारी संस्थाओं के अलावा डिग्री कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज से डोर टू डोर कूड़े को उठाया जा रहा है और इसका सही ढंग से निष्पादन भी किया जा रहा है। परिषद ने होटल व रेस्टोरेंट मालकों से भी बैठक की है। होटल मालकों से परिषद ने कहा है कि उन्हें होटल के हर कमरे व रसोई में गीला व सूखा कचरा रखने के लिए डस्टबिन खुद रखने होंगे। सूखा व गीला कचरा अलग अलग रखने से हर किसी को सहूलियत होगी। ऐसा ना करने की सूरत में नगर परिषद होटल व रेस्टोरेंट संचालकों का कूड़ा नहीं उठाएगा। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में अषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्रे बड़ी ही धूमधाम के साथ संपन्न हो गए। इन गुप्त नवरात्रों में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने माता जी के दर्शन किए। गुप्त नवरात्रों के उपलक्ष्य पर पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु
माता के दर्शन करने पहुंचे। मंदिर न्यास के द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जहां पर श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ किया और कन्या पूजन करके अपने घर परिवार व समाज की सुख समृद्धि की कामना की। हालांकि गुप्त नवरात्रों के दौरान तंत्र पूजा का विशेष महत्व होता है और इस मौके पर गुप्त नवरात्रों के समाप्ति के उपलक्ष्य पर श्रद्धालुओं के द्वारा माता श्री नैना देवी के प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां भी डाली गई और आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे सुख शांति के साथ संपन्न हो गए।